अरे प्यार के पंख लगा के चलो कहीं उड़ जाए। ये प्यार के पंख लगा के चलो कहीं उड़ जाए। ओ प्यार के पंख लगा के चलो कहीं उड़ जाए। जहां हवाएं गम की हम तक पहुंच न पाए। जय हो चौहान साहब। बरसों लेकिन कभी कभी जब लाइने ऐसी आ जाती हैं, जीजा जी, जीजा जी कहाँ गए? अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जय जय अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। बात आई भगवान राम और माता जानकी की, लेकिन बहन क्रांतिमाला जी, मैं बात वनवास के समय की नहीं कर रहा हूं। अरे भूप बागरी दुराज की अति सुंदर राजधानी। बड़े बड़े जानकार बड़े बड़े रचनाकार विराजमान हैं के भूप बाग ऋतुराज की अति सुंदर राजधानी। मृदुल मोद मकरंद का दुर्ग बना लासान। बात एक एक शब्द को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात उस समय की भगवान राम और माता जानकी जब एक दूसरे के सामने तो नौ पल्लव फल फूल की संपत्ति है मनमानी। तो नारी सेन चतुरंगिनी है सीता महारानी। पांडे जी, जिस समय भगवान राम फल फूल रूपी संपत्ति को लूटने लगे तो मदन वीर ने माता जानकी जी से कहा। क्या? माता जानकी से कहा क्या? कहा सुनिए। अरे दशरथ राजकुंवर ने आके लूटा बाग हमारा। जय जय। अच्छा अच्छा तो मदन वीर ने कहा आप अगर आज्ञा दे दें तो जन्म जन्म को जेल भेज दूं हो जो हुक्म तुम्हारा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है।
लेकिन सीता जी ने कहा नहीं भैया जी थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल नहीं। हेलो हेलो हेलो, सीता जी ने कहा ऐसा नहीं करना है। और भगवान राम की ओर एक नजर डाली और माता सीता ने कहा क्या, कि नीति प्रीत का पालन होगा सदा ही मेरे द्वारा, क्योंकि युद्ध युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ये धन्यवाद है हमारे समस्त विद्वानों के लिए। आज अरे युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा तुम्हारा, युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। ये हमारे ये जो कथानक है लगभग हमारे सभी भाई जानते हैं, चौपाई आती है कौन सी, अरे एक सखी सिए संग बिहाई ओ गई रही देखन फुलवा, ते ही दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पैया। भगवान राम सामने हैं तो प्रकुटिवान संधान कर घायल कियो है भार, प्रकुटिवान सखी ने कहा ऐसी दे, प्रकुटिवान संधान कर घायल कियो है भारी और तन मन सुरत विसार कर सिए सन आन पुकारी। ऐ सखी सीता, ऐ सखी अरे रो वो रूप मोहिनी डाल के सोवस किए नर नारी तो अवस देखिए जाई के हे सीता सुकुमारी। और कहा सीता आज अच्छा नहीं हुआ, कहा क्यों, कहा इसलिए के जान जान के जान जान के जंग के जैसा जम के जुलम गुजारा, लेकिन नहीं नहीं नीति प्रीति का पालन होगा सदा ही मेरे द्वारा, क्योंकि युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा हमारा भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा साफ सुथरा समझ में नहीं आता,
जवाब नहीं कि सीता से सामना करें, संधि करें या फिर भाग जाएं। लक्ष्मण भी मन में सोचने लगे कि भगवान होकर ऐसी बात कर रहे हैं कि भाग जाएं, आज भागने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या है, अरे मृग नयनी के नयन सर, वाह बेटे वाह, मृग नयनी के नयन सर सहन सहज प्रभु पाए। आज देखिए कैसी दशा है, वो भी भगवान राम की, के धीर वीर गंभीर के बोल न मुह तक आए। जय 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 जय, अरे धीर वीर गंभीर के बोल न मुह तक आए। रामायण बोल रहे हैं, एक लाइन और आती है, भगवान नजर पड़ते ही घायल हो करके लता की ओट में छिप गए। लता ओट तब सखिन रखाए, तो लता ओट में छिप गए, के छिपे लता की ओट सखिन तब कीना तुरत इशारा। वो क्या कहा, क्या सखी ने भी क्या कहा, भाग ना जाए, एक काम करो भाग ना जाए, करो कैद में ये कैदी सबसे प्यारा। बहुत बहुत वाह वाह, अरे आज तक ऐसा कैदी नहीं है, भाग ना पाए, करो कैद में कैदी सबसे प्यारा। लेकिन मन में भगवान की मूरत बसाए है, वो सांवली सूरत माता जानकी भी ध्यान कर रही है कि नीति प्रीत का पालन होगा सदा ही मेरे द्वारा। क्यों, क्योंकि युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा हमारा अरे लोचन, देखिए कथानक वही है, समारी तिवारी कथानक वही है जो बहन क्रांति माला गाती है, और जब बाबूलाल नादान गाता है समस्त कीर्तनकार गाते हैं, बस फर्क है अपना अपना लिखना, अपना अपना गाने का, बस बस बिल्कुल। लोचन मग लोचन है, लोचन मग और आन के पलक कपाट लगाए, ये पलक कपाट लगाए,
किंतु वीर रघुवीर को रोक अधिक ना पाए। भगवान राम एक और माता जानकी, लेकिन बात उधर कुछ अलग ही है। क्यों? कैसे हार वो मानती जग को हराने वाली, अरे कैसे हार वो मानती जग को हराने वाली, तो विमल बिनोदी मात ने युक्ति एक निकाले। विमल विनोदी मात ने युक्ति एक निकाली। और वो युक्ति कैसी? कैसी? अरे युक्ति एक निकाली, के ऐसी कैद में कैद करे, उपस्थित हमारे हैं विद्वान माता सीता सोच रही हैं क्या, ऐसी कैद में कैद करे जहां हो ना कोई द्वारा, जहां कोई द्वार ही ना हो, फिर वो कैदी निकले कहां से निकल। तो बंधे प्रेम के बंधनों में, बंधे प्रेम के मन मंदिर में, अरे छूटे नहीं दोबारा। ये भैया वाह, बहुत की बात तो वही है। बिल्कुल, नीति प्रीत का पालन होगा सदा ही मेरे द्वारा, क्योंकि युद्ध प्रेम श्रृंगार का बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, बोलिए जगत जननी जानकी मैया। दूर कहीं उड़ जाए तुम्हारा।
अच्छा है, बढ़िया, हमारा तुम्हारा और क्या, के अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, तो जन्म 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 का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। गीत सुना है आप लोगों ने, और क्या, मैंने राम जानकी की बात की तो भैया बाबूलाल जी ने भी राम जानकी को लिया है, और आपने प्रसंग लिया है कि जानकी राम को देख रही है तो अपने नेत्रों में कैद कर रही है, और वो जो युद्ध है वो प्रेम का युद्ध है। अब इस युद्ध में कैद हो रहे हैं दोनों, दोनों कैद हो रहे हैं, और आपके गीत की लाइन बोल रही है कि युद्ध प्रेम श्रृंगार का हमारा तुम्हारा, वाह, हमारा तुम्हारा गाने की जान है, और क्या, आपके गाने की जान है बाबूलाल भैया, हमारा तुम्हारा, यानी ये जो प्रेम है हमारा तुम्हारा इसी में हम दोनों रंगे हैं, और जानकी भी कह रही है, उनकी सखियां भी कह रही हैं, उसमें आपने मानस भी सिद्ध करने का प्रयास किया है, और कुछ भाई लोग हमारे लिख रहे थे कि शब्दकोश बाबूलाल भैया का बहुत अच्छा है, और क्या, और सत्य में बहुत अच्छा गीत दिया है उन्होंने, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, आपके गीत में प्रेम का मिलन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, एक ये पटाखे काहे छूट रहे भैया, हाँ ये फ्री वाले हैं कहीं खटखट हो रहा है, बहुत बढ़िया साउंड बोल रहा है, जरा सा देख लीजिए, आपके गीत में एक रस चल रहा है, यानी प्रेम, एक बार हम दगा दो, जब आपकी पंक्तियों को सुनिएगा, और बाबूलाल भैया आप भी सुनिए, सुनिए, आपके गीत में कुल मिलाकर मिलन हो रहा है, प्रेम हो रहा है, और अगर आपने प्रेम की बात अपने गीत में रखी है तो मैं वियोग की बात कर रही हूँ, तो दो तरह से उत्तर होता है, यानी आपने प्रेम की बात की तो मैं विरह की बात कर रही हूँ, और मेरे शब्दों को सुनिएगा, सुनिए, भगवान श्री राम जिस समय धोबी ने ताना दिया तो भगवान श्री राम ने एक बार जानकी को और त्यागा, और जब त्यागा तो जानकी जा तो रही है लेकिन अपने मन में विचार कर रही है और कह रही है कि पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए और हम दोनों हैं कैसे। देखिए जानकी ने कहा के राजीव नयन है नीर तो सीता मीन बेचारी, शब्दों को सुनिए बाबूलाल भैया, सुनिए, के राजीव नयन है नीर तो सीता मीन बेचारी, अगर राम रूपी जल है तो सीता रूपी मछली उसमें विचरण करती है, तो राजीव नयन है नीर तो सीता मीन बेचारी, और जैसे चकोरी चंद्र बिन, जैसे चकोरी चंद्र बिन व्याकुल रहना सारी, व्याकुल रहना चंद्र और चंद्र के बिना चकोरी अधूरे हैं। राजीव नयन है नीर तो सीता मीन बेचारी, और जैसे चकोरी चंद्र बिन व्याकुल रहना सारी, तो मैं थी कमलनी कुल की, सीता कह रही है राम, मैं थी कमलनी कुल की, राम थे भ्रमर हमारे, के मैं थी कमलनी कुल की, राम थे भ्रमर हमारे, और सोच सोच जल बिंदु के बहते नयन से धारे, बहते नयन से धारे, बहते नयन से धारे, तो सोच सोच जल बिंदु के
बहते नयन के धारे, तो पंक्ति कह रही है क्या? जानकी ने कहा के विरह व्योम में विचर रहा है, के विरह व्योम में विचर रहा है ये मन का विहल बेचारा। आपसे मिलने के लिए मन रूपी पंछी तड़प रहा है राम, तो विरह व्योम में विचर रहा है मन का विहल बेचारा। योग की तुलना में बैठी सीता आपके द्वारा, तो पुनर्मिलन किस भांति हो हमारा तुम्हारा के हमारा युद्ध चल रहा है या जैसे भी समझिए, दोनों एक हुए लेकिन अलग हो रहे, तो वियोग दशा में बता रही हूँ और शब्दों को सुनिए। सुनिए जानकी कह रही कि हे राम, और ये मैं नहीं कह रही, मानस भी इस बात को सिद्ध करती है, मानस भी कह रही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी का स्वभाव है कि उसको अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए, और जानकी याद करके कह रही है राम, जिए बिनु देह नदी बिन वारी, जिए बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपसे अलग होकर कैसे रह पाऊंगी, तो अब जरा देखिए कैसा कैसा वियोग है। ऐसा के मन से कैद किया था, ओ के मन से कैद किया था और तन से हमें है त्यागा। हे राम, आपके मन में मैं कैद हूँ और मेरे मन में आप कैद हैं, लेकिन आज सीता को आपने अपने आप से अलग कर दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने ऐसा क्यों किया। तो मन से कैद किया था, तन से हमें है त्यागा, और विरह से व्याकुल मेरा जीवन बना अभागा, जीवन बना व्याकुल मेरा जीवन रहा अभागा, और कैद उदर में मेरे, कैद उदर में मेरे रघुवर की है निशानी। संतान भी पल रही है जानकी के उदर में, लेकिन राम ने त्यागा है तब भी सीता उन्हें पाल रही है। तो कैद उदर में मेरे रघुवर की है निशानी, और भवन में है महाराज तो वन में घूमे रानी, भवन में है महाराज तो वन में है महारानी। तो जानकी कह रही है क्या के हृदय कमल का सूख रहा है, के हृदय कमल का
पुनर्मिलन किस भांति हो हमारा तुम्हारा और तुम्हारा रामचंद्र की जय। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय बोलिए, बोलिए बालाजी सरकार की जय।